सब्सक्राइब कीजिए फंटास्टिक प्रेम को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फंटास्टिक प्रेम में। दोस्तों, सोच रहा हूं कि आज के वीडियो में मैं आपकी थोड़ी सी भलाई कर दूं, थोड़ी डिजिटल तरह की भलाई है ये। आप भी सोचेंगे कि वीडियो में कैसी भलाई हो सकती है, क्यों दोस्तों, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, आपके मोबाइल में क्या क्या फंक्शन है वो बताता हूँ, तो आपकी थोड़ी सी भलाई नहीं हो गई? हाँ हाँ, ये तो मेरा काम है, इसमें भलाई कैसी। सोचा आज थोड़ी सी आपकी भलाई भी कर दूँ। तो आज का जो वीडियो है ये है कलर ओएस का एक फीचर है, ऑलमोस्ट आपको सब मोबाइल में मिल जाएगा एंड्रॉयड मोबाइल में, जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग। हाँ दोस्तों, ये डिजिटल वेलबींग है। डिजिटल वेलबींग बोले तो एक तरह का आपका हिंदी में डिजिटली आपकी जो भलाई होती है मोबाइल के अंदर। आप सोचते होंगे कि मोबाइल के अंदर कैसी भलाई, तो डिजिटल वेलबींग एक इस तरह का फीचर है आपके मोबाइल में, जो आपके डेली के जो मोबाइल में आपने यूजेस किए हैं, जो भी आपने दिन भर में मोबाइल इस्तेमाल किया है, कौन सा एप्लीकेशन कितना यूज किया है, व्हाट्सएप कितने टाइम चलाया है आपने, फेसबुक कितने टाइम चलाया है, गूगल क्रोम कितना टाइम यूज किया है, फेसबुक पे आप वीडियो कितने टाइम देखते गए, देखते 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 आपका टाइम कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। तो इसी सब पे कंट्रोल करने के लिए डिजिटल वेलबींग आपकी सहायता करेगा। किस तरह से सहायता करेगा ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, उसके पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। डिजिटल वेलबींग एक इस तरह का फीचर है जो ऑलमोस्ट आपको आज के जो भी न्यू एंड्रॉयड फोन है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। डिजिटल वेलबींग में आपका डेली का आपके मोबाइल में आपने कितना यूजेस किया है, कौन सा एप्लीकेशन कितना यूज किया है, कौन से एप्लीकेशन में आपने कितना टाइम वेस्ट किया है या फिर कितना टाइम आपने उस एप्लीकेशन पे स्पेंड किया है, वो पूरा लेखा जोखा रखता है। तो आप उस डिजिटल वेलबींग के थ्रू अपना एक माइंड सेट करके कि हाँ मुझे भाई आज के बाद इस एप्लीकेशन को इतना टाइम ही देना है, वो भी आप उसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कई लोगों को बस में, ट्रेन में कैंडी क्रश गेम चालू हो गए, खेलते 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 कब उनको कौन से स्टेशन में उतरना था, लेकिन वो गेम में खेलते 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 इतना बिजी हो गए, उतरना था कौन से स्टेशन पे, उतर गए कौन से स्टेशन पे। उसी तरह बस में भी गेम खेलते खेलते, या फिर बस में यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते, या फिर फेसबुक पे वीडियो देखते 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 कब उनका टाइम ये हो गया पता भी नहीं चला कि कब टाइम वो हो गया आपका। कभी कभी हम ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सोचा कि हाँ चलो आज फेसबुक की थोड़ा सा एक वीडियो देख ले, तो वो वीडियो देखते देखते 5-10 मिनट की जगह कब आपके 1 घंटा हो जाता है वो पता भी नहीं चलता। तो आप सोचते अरे बाप रे, इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया वही मुझे पता भी नहीं चला। इन्हीं सब चीज़ों को डिजिटल वेलबींग मॉनिटर करता है और आपको बताता है कि आपने इस एप्लीकेशन पे इतना टाइम दिया है, और कौन सा एप्लीकेशन आपने कितना यूज़ किया है, और कौन से एप्लीकेशन में कितना समय आपने दिया है। तो इसी तरह से जो आपको लगता है कि हाँ ये एप्लीकेशन मेरा कुछ ज़्यादा टाइम खा रहा है, या फिर ये एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा मेरा ये टाइम ले रहा है, तो उस एप्लीकेशन में लिमिटेड आप टाइम दे सकते हो कि भाई आज ये एप्लीकेशन पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे के ऊपर नहीं यूज चलना चाहिए। तो आप जब भी वो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जैसे ही आपकी लिमिट पूरी हुई आधा घंटा, वो आपका चला जाएगा ब्लैक मोड पे। जैसे वो ब्लैक मोड में चलेगा आप उस पर यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर वो डायरेक्ट नेक्स्ट डे आपका यूज होगा। तो इस तरह से डिजिटल वेलबींग के थ्रू आप अपनी थोड़ी सी भलाई कर सकते हैं। एक भलाई तो हुई, डिजिटल वेलबींग आपकी कितनी भलाई कर रहा है कि आपका टाइम बचा रहा है। तो दोस्तों, डिजिटल वेलबींग आप कैसे अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। सबसे पहले आपके मेन्यू में जाना है फोन के, उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है डिजिटल वेलबींग में। डिजिटल वेलबींग में आपको क्लिक करना है। डिजिटल वेलबींग में आप जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का सर्कल दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि आपने कौन सा एप्लीकेशन कितना यूज किया है। आपको पूरा ग्राफ के द्वारा ये पूरा दिखाई देगा।
इसमें देखो सबसे ज़्यादा मेरा व्हाट्सएप यूज़ है, फिर क्रोम यूज़ है, काइन मास्टर यूज़ है। तो कुछ इस तरह के जो दिन में आपने कौन सा एप्लीकेशन कितना यूज़ किया है, ये पूरा यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाई देगा। इसमें भी आपको कुछ अलग तरह की सेटिंग दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे अनलॉक दिखा रहा है आपको, और ये कुछ नीचे नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि कितनी बार नोटिफिकेशन आए हैं आपको, कौन सा एप्लीकेशन कितनी बार आपने अनलॉक किया है, तो ये हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे मुझे दिखा रहा है मेरा ये स्क्रीन टाइम, डेली का स्क्रीन टाइम है, मैंने कौन से दिन में कितना व्हाट्सएप कितना यूज़ किया है यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे स्क्रीन टाइम दिया हुआ है, ये देखो 1 आवर, 2 आवर, नोटिफिकेशन कितना रिसीव किया है मैंने एक दिन में, मैंने कितनी बार व्हाट्सएप ओपन किया है एक दिन में, यहाँ पर देखो आप घंटे के हिसाब से भी देख सकते हैं और डेली के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे दिया हुआ ऐप टाइमर, अब दिन में आपको व्हाट्सएप कितना टाइम यूज़ करना है आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं चले जाता हूँ, मेरा दूसरा है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यूट्यूब पे ले लेता हूँ। यूट्यूब पे देखिए मैं 39 मिनट्स आज का मैंने यूज कर चुका हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक टाइम लिमिट सेट करता हूँ, जैसे 40 मिनट, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स। जैसे कि मैंने 30 मिनट सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए जैसे कि आज का मेरा 30 मिनट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरा 39 मिनट यूज़ हुआ है। तो देखो ये आपका यूट्यूब चला गया ग्रे मोड में, मतलब आज की लिमिट मेरी पूरी हो चुकी है, आज मैं यूट्यूब यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह आप जैसे कि अभी मैं सेट कर देता हूँ उसकी लिमिट 45, तो ये अभी भी मेरा कुछ टाइम बाकी, जैसे कि 45 मतलब 6 मिनट बाकी है मेरे आज के यूट्यूब यूज़ करने के। तो अभी हम टाइमर, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता दूँ, जैसे कि मैंने 30 डाला, तो आप अब यूट्यूब सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पे मुझे ग्रे दिखा रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो क्या लिख के आया है, टाइम रन आउट, मतलब आज का आपका कोटा पूरा हो गया है। आप सेटिंग के थ्रू चाहिए तो आप टाइमर बढ़ा सकते हैं, या फिर इट और ये आपका कल चालू होएगा, वापस से आपको आधे घंटे की लिमिट कल की डेट में मिलेगी। तो ये हो गया, अब हम सेटिंग में जाते हैं वापस से एक बार। अब यहाँ पे हम जैसे कि इसकी यूट्यूब की जो ऐप टाइमर लिमिट है डिलीट कर देते हैं, हमें कोई टाइमर नहीं चाहिए इसके अंदर। तो आप जाएंगे वापस, ये देखिए आपका यूट्यूब नॉर्मल में आ गया। तो इसी तरह से आपको जैसे कि यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि कितनी बार मैंने ये एप्लीकेशन अनलॉक किया हुआ है, ये देखिए। जैसे कि मुझे इस पे टाइमर सेट करना है, लेकिन ये सिस्टम ऐप है, इसमें टाइमर सेट होगा नहीं, इसमें वापस आपका टाइमर सेट होएगा। अब नोटिफिकेशन में जाएंगे, कौन सा एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन कितनी बार आया हुआ है, ये देखिए आज की डेट में। इसमें भी आप समय से टाइमर सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको आया है, स्क्रीन टाइम, ये देखिए किसका नोटिफिकेशन कितनी बार आया हुआ है, सब चीज़ इसमें आपको दी हुई है। मतलब डिजिटल वेलबिंग आपके बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। एक आपने लिमिट सेट कर सकते हैं इसके अंदर आप, कि कौन सा एप्लीकेशन कितना आपको यूज़ करना है। अब डैशबोर्ड में भी आपको सेम चीज़ मिलेगी कि कितने घंटे तक आपने कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपने टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये है पूरा डिजिटल वेलबिंग का कारनामे। देखा दोस्तों किस तरह से डिजिटल वेलबिंग के जरिए आप अपने ऊपर निगरानी रख सकते हैं। हाँ, खुद आप अपने आप पे भी निगरानी रख सकते हैं कि हाँ चलो ये एप्लीकेशन मैंने इतना टाइम दिया है, ये एप्लीकेशन को मैंने इतना टाइम दिया हुआ है। तो डिजिटल वेलबिंग के थ्रू आप अपने आप को थोड़ा लिमिटेड भी रख सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन कितना लिमिट देना है मैंने आपको पूरा आगे वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों डिजिटल वेलबिंग ये फीचर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए,
अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब का बटन दबा के साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी न्यू वीडियो मैं जैसे भी अपलोड करूँ आपके पास फटाक से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक यू।